हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आ गया रहा ब्लॉक वीडियो लेके, और अभी हम पहुँचे हुए हैं रांची। और रांची में वैसे बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए, घूमने के लिए, जहाँ पे हम लोग अपना फैमिली फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन पहला जो हम लोग घूमेंगे वो है सिटी एरिया। सिटी एरिया में बहुत सारे ऐसे घूमने वाला जगह है। इसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिटी के बाहर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और पहला जो स्थान आए हुए हैं ये है धुरवा डैम। और धुरवा डैम के बाद और बहुत सारी जगह को आप दिन भर। और पहला जो जगह है ये है धुरवा डैम। और धुरवा डैम रांची से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है, डैम है, जहाँ पे पिकनिक के लिए बहुत ही फेमस है ये धुरवा डैम। और धुरवा डैम के पास ही है ये है रांची का जो स्टेडियम है, उस वही स्टेडियम। हालांकि अंदर अलाउ नहीं है इस स्टेडियम में घुसने के लिए, इसके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। लेकिन बाहर से आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये एक स्टेडियम है। और अभी हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये है, मेरे पीछे देख सकते हैं, जगन्नाथ मंदिर। ये बहुत खूबसूरत सा मंदिर है और पहाड़ की चोटियों पर बनाया गया है। और ये पूरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के दर्श पर बनाया गया है ये मंदिर। तो इसी को हम लोग दर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छा है। और पूरी जो नहीं जा पाते हैं उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर है, उसी के दर्श पर, उसी के तरह ये स्ट्रक्चर है, उसी के दर्श पर बनाया गया है। और इस मंदिर के पास से जो रांची का स्टेडियम है, या फिर यहाँ का जो रांची का फुल व्यू, वहाँ का भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा नज़र आता है इस जगन्नाथ मंदिर से। और जगन्नाथ मंदिर से देख सकते हैं शहर का ब्यूटीफुल सा नज़ारा, जो जगन्नाथ मंदिर के टॉप से दिखता है। और अभी हम जिस जगह पे आए हुए हैं ये है पहाड़ी मंदिर, जो रांची का बहुत ही फेमस एक मंदिर है, जो ये भी पहाड़ की चोटियों पर बनाया हुआ है। और इस मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले तो लगभग 400 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और ऊपर में बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये रांची के बीचों बीच पड़ता है, और यहाँ से भी रांची का जो व्यू है सिटी का बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जब भी आप रांची आएँ तो इन जगहों को जरूर विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत सा ये पहाड़ी मंदिर। मछली घर, जहाँ पे तरह तरह की मछली देखने को मिलता है इस मछली घर में। हालांकि अंदर तो जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा था होली के, तो यहाँ पर भी आप घूमने आ सकते हैं, अच्छा जगह है। और मछली घर के पास ही है सिदो कान्हो पार्क, तो सिदो कान्हो पार्क भी अच्छा है घूमने लायक एक पार्क है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आते हैं लोग सुबह शाम घूमने। हालांकि फिर भी ये भी बंद था। और अभी हम जिस जगह पे आए हुए हैं ये है काके डैम और पार्क, दोनों एक साथ ही है। और यहाँ टिकट प्राइस लगभग 10 रुपया पर हेड लगता है, और गाड़ी पार्किंग का अलग से। तो इस जगह भी अच्छा जगह है, ये जो है रॉक गार्डन के जस्ट नीचे ही है, तो अच्छा जगह है घूमने। और अभी हम जिस जगह पे आए हुए हैं ये है रॉक गार्डन, जो रांची का बहुत ही फेमस एक गार्डन है। और
ये जो गार्डन का नाम हर किसी का जुबान पे रहता है, और इसी के बगल में ही है काकेड है, तो ये सब अगल बगल में ही है, ऐसे ऐसे और बहुत सारे जगह हैं देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं अच्छा से रॉक गार्डन। रांची में रॉक गार्डन बहुत ही फेमस एक पार्क है, यहाँ पे आप फैमिली फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। और टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 30 रुपया इसका पर हेड है, और बहुत ही हालांकि महंगा है लेकिन घूमने में बहुत अच्छा लगता है। पत्थर पत्थर देखने को मिलता है, पत्थर में एक पार्क बना हुआ है, इसीलिए इसको रॉक गार्डन कहते हैं। टाइगर हिल यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा एक टूरिस्ट प्लेस है, जो पहाड़ की चोटियों पर यह भी बनाया हुआ है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर कभी भी आएँ रांची तो इस जगह को जरूर विजिट करें। टाइगर हिल के चोटियों तक पहुँचने के लिए इस तरह का छोटे छोटे बहुत से खूबसूरत सा एक सीढ़ी बनाया हुआ है, जहाँ से आप टाइगर हिल की जो चोटी है वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। विजिट करें आप दो तरीके से वहाँ विजिट कर सकते हैं, ऑटो टोटो या फिर पर्सनल बाइक किसी का होगा तो बहुत ही अच्छा आपका दिन भर का ये जो टाइम है यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। और शाम में आप कहीं भी जाना चाहें यहाँ से आराम से जा सकते दिन भर। ये जो टूर था ये सिटी टूर था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं अगल बगल 30-35 किलोमीटर के रेडियस में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो लाते रहें।